अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और इसके अलामत क्या हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जो कि दुनिया भर में 1% अफराद एक वक्त में इससे मुतासर हो रहे होते हैं। इसकी शरह औरतों और मर्दों में बराबर है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग निस्बतन ज़्यादा मुतासर होते हैं उन लोगों से जो कि गाँव में रहते हैं। 15 साल से कम उम्र लोग जो हैं उनमें इस बीमारी को होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, लेकिन 15 साल के बाद ये बीमारी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस बीमारी का जो दौरानिया होता है अमूमन वो 15 से 35 साल की उम्र के अफराद में देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो अलामत हैं ये किस तरह की होती हैं। अमूमन ये जो अलामत होती हैं ये दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी मुस्बत और मनफी। जो मुस्बत अलामत होती हैं उनको मुस्बत अलामत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी की हालत में नज़र आने लग जाती हैं, पहले ये सेहत की हालत में मौजूद नहीं थी। मुस्बत अलामत में सबसे पहले आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो होती हैं वो ये है, मरीज़ जो है उसको किसी चीज़ या किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास रहता है, ख़ास तौर पर तब जब मरीज़ तन्हाई में होता है, उसके आसपास कोई और इंसान मौजूद नहीं होता। उसको ऐसे लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, या उसको ऐसे लगता है कि आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, कुछ लोग उससे बात कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं। मरीज़ को ये आवाज़ें हकीकत में मबनी लगती हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो आवाज़ें या वो इंसान वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन उस इंसान को, मरीज़ को जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको ये आवाज़ें महसूस होती हैं, उसको ये आवाज़ें आती हैं, उसको लगता है कि ये आवाज़ें उससे बातें कर रही हैं। बाज़ मरीज़ जो होते हैं उनको ये भी लगता है कि उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको खुशबुएँ महसूस होती हैं, या उन्हें ऐसा भी लगता है कि कोई उन्हें छू रहा है, लेकिन ये बहुत निस्बतन कम होता है, ज़्यादातर उनको आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। उसके बाद जो अलामत आती हैं वो हैं डिलूजन्स। डिलूजन्स जो होते हैं वो उन ख्यालात और एतकादात को कहते हैं जो कि हकीकत में मबनी नहीं होते, लेकिन जो मरीज़ होता है उसका इन ख्यालात पर पुख्ता यकीन होता है। डिल्यूजन्स जो होते हैं वो कई किस्म के होते हैं। मरीज़ होता है उनका इन ख्यालात पर 100% तक यकीन होता है, उसको लगता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिल्यूजन्स हैं उसको, उसको लगता है कि दूसरे लोग उसके दुश्मन हो गए हैं, उससे हसद करते हैं, उसको मारना चाहते हैं, या बाज़ औक़ात उसे ये भी लगता है कि रेडियो या टीवी पे जो खबर नशर हो रही है वो उसके बारे में हो रही है। बाज़ डिल्यूजन्स में मरीज़ को ये भी लगता है कि वो कोई मशहूर सेलेब्रिटी है, उसके पास कोई ताकत है, या बाज़ अलामात में ये भी लगता है कि उसे लगता है कि वो मशहूर हस्ती है, उसके पास कोई ताकत है जो उसको कंट्रोल कर रही है, और बाज़ सिचुएशंस में उसको ये भी लगता है कि उसके जो ख्यालात हैं उसके जहन में कोई इंसर्ट कर रहा है, कोई डाल रहा है, या उसके जहन से कोई ख्यालात को बाहर निकाल रहा है, या उसके अंदर कोई रूह समा गई है, उसके पूरे जिस्म को, उसके जहन को कोई रूह या कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, और वो जो भी काम कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ उसके ख्यालात हैं वो सब उसके नहीं हैं बल्कि उस चीज़ के हैं जो उसको कंट्रोल कर रही है। ये सब जो हैं ये डिल्यूजन्स। अब जो नेक्स्ट जो इसकी सिम्टम्स है वो ये है, ख्यालात का बेरब्त होना, यानी इंसान जो है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उसकी सोचों में और ख्यालात में उसका रابطہ नहीं रहता। वो कोई बात करते करते उससे फिसल जाता है, अचानक कोई और बात शुरू करने लग जाता है, या कोई कुछ सोचते सोचते किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है, कुछ और सोचने लग जाता है, और इंसान को ख़ुद भी याद नहीं रहता कि पिछले लम्हे वो क्या सोच रहा था। तो ये जो अलामत हैं ये मुस्बत अलामत हैं। अब हम बात करते हैं मनफी अलामत की, यानी नेगेटिव सिम्टम्स की। इनको नेगेटिव सिम्टम्स इसलिए कहा जाता है कि ये सेहत की हालत में तो मौजूद थी, लेकिन अब जब से बीमारी शुरू हुई है तब से ये मौजूद नहीं हैं।
منفی علامات جو ہیں اتنی پرومیننٹ اتنی نمایاں نہیں ہوتی جتنی کہ مثبت علامات ہوتی ہیں، لیکن یہ مریض کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ مریض کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جو توانائی ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے، کام کرنے کی جو جذبہ ہے، وہ سارا ختم ہو گیا ہے۔ اس کو کسی کام پر وہ توجہ نہیں دے پاتا، کسی کام کی اسے خوشی نہیں ہوتی، کسی بھی بات پر وہ توجہ نہیں دے پاتا، نہ کچھ کرنے کا اس کا دل کرتا ہے۔ مریض کو اپنی صفائی ستھرائی، نہانا دھونا اس کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھے، وہ اپنی صفائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا۔ مریض کے لیے دوسروں سے بات کرنا، دوسروں سے ملنا جلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایون دیٹ کہ وہ گھر سے نکلنا بھی بند کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے ملنا جلنا بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اسکیزوفرینیا کی تمام مریضوں میں یہ تمام علامات موجود ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اسکیزوفرینیا کے تمام مریضوں میں تمام علامات موجود ہوں، بعض لوگوں میں صرف منفی علامات موجود ہوتی ہیں اور بعض لوگوں میں مثبت علامات ہوتی ہیں، لیکن ان میں خیالات کی بے ربطگی نہیں ہوتی، اور یہ علامات اس حد تک بھی پرومیننٹ نہیں ہوتی بعض اوقات کہ آس پاس کے لوگوں کو بعض اوقات ان کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو اسکیزوفرینیا ہے، اور بعض اوقات جو مریض ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرے لوگ میری بات ہی نہیں سمجھ پا رہے، یعنی اس میں انسائٹ نہیں ہوتی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔